ऑक्सीजन सिलेंडर है, कहाँ कहाँ क्वारंटीन सेंटर है, और कितने आपके वेंटिलेटर चल रहे हैं, और कौन लोग वहां पे जा रहे हैं। अरे आपके पास तो डॉक्टर और नर्स भी नहीं है जो ये बता सके कि ऑक्सीजन देना कैसे है। आपने 120 रेमडेसिविर दिए हैं, आपने 250 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं। हमने पूछा सिविल सर्जन को, भाई साहब 500 लोगों को ऑक्सीजन लगेगा तो क्या करेंगे? तो मैडम दरभंगा में बैकअप है। तो हमने कहा व्यक्ति मरेगा तब तक आप लेकर आएंगे? आप मुंह मत खुलवाइए। और हम लोग सिर्फ मुंह इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि लोग पैनिक नहीं हो, लोग नहीं डर, लोग भयावह नहीं हो। क्योंकि जिसका 95 भी ऑक्सीजन होता है, अगर उसको ये मालूम चल जाता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, उसका ऑक्सीजन लेवल वहीं से 90 और 88 चला जाता है। इस दर्द के कारण आपकी बातों को नहीं बोल रहे, इस दर्द के कारण आपसे हम लोग बात नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन आज जिस तरह की स्थिति आपने पैदा की है, तो नीतीश बाबू आपको भी जवाब देना पड़ेगा, रूड़ी जी आपको भी जवाब देना पड़ेगा। और ये कौन सा मंत्रालय है जो फेलियर के नाम से, कौन से लोग हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको आपने कभी अपना ओएसडी बनाया, फिर उनको मंत्री बनाया, और आज वो सबकी मिली भगत से उनकी दुकान नहीं बंद हो जिसके लिए आप मुंह बंद कराना चाहते हैं। अरे कितनों का मुंह बंद कराएंगे? और शर्म आनी चाहिए, और थोड़ा डरिए। आप पप्पू जी को जेल में बंद कर देंगे तो क्या लोगों को मरने देंगे? आपकी ये मंशा है कि लोग मरे और हम तमाशा देखें, गोल्फ के मैदान में गोल्फ खेलते हुए कि भाई स्थिति बहुत पैनिक है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आई एम वेरी सेफ कहने में बहुत मजा आता है। मोदी साहब आप भी आइए, जो सेंट्रल में चुप्पी साध के बैठे हैं, ये आपके ही क्रिया कलापों का प्रेरणा है जो आज आपके लोग कर रहे हैं। पहले जब सेकेंड लहर आई, दूसरी लहर आई, तो आप सत्ता के जुनून में, जीतने के जुनून में इतने पागल थे कि हमारे देश में ये जो महामारी की आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा से ज्यादा WHO और पूरे वर्ल्ड के कंट्री का ये कहना है कि 90% हमारे देश की जो आपदा है वो मैन मेड है। आपके प्रधानमंत्री, आपके सत्ताधारियों ने इसको जबरदस्ती फैलाने का काम किया है, लोगों को मारने का काम किया है। और आपको शर्म नहीं आ रही कि उस बीच में अगर कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर आपकी मदद करना चाहते हैं, तो आप जेल जेल खेल रहे हैं, आप राजनीति राजनीति खेल रहे हैं, आप लॉबी लॉबी खेल रहे हैं। देखिए मुझे लॉबी लॉबी खेलने का कोई शौक नहीं है, ना इस वक्त राजनीति राजनीति खेलने का शौक है, और ना ही जो खेलेगा उसको खेलते देते रहने का, देखने का शौक है। देखिए जो चौराहे पे है वो तो रहेगा, जो डर रहा है वो इस बात को समझे कि जल्द से जल्द अगर पप्पू जी की रिहाई नहीं हुई और ये ड्रामा चलता रहा, तो बहुत जल्द आपको भी मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा, आपके मंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा, और चौराहे में खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। ये दिल्ली में बैठ के जूम से काम नहीं चलेगा। अगर आज आप फर्जी केस में पप्पू जी को जेल में डाल के ये जो प्रशासन और डॉक्टर का खेला खेल रहे हैं, 3 दिन से उनको पटना से मधेपुरा, मधेपुरा से वीरपुर, और अभी प्रशासन और डॉक्टर के सूत्रों से हम बता रहे हैं कि उनको दरभंगा आप भेज रहे हैं, और उसमें डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमने लिखा है कि हायर मेडिसिन, हायर डॉक्टर फैसिलिटी की रिक्वायर। अब प्रशासन जाने की उनको कहाँ भेजना है, प्रशासन कह रहा है कि डॉक्टर जाने की उनको कहाँ भेजना है। अरे आपका तो एक भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। आप पप्पू जी का सीवियर इन्फेक्शन है, सुन लीजिए, शुगर के पेशेंट है, और 1.25 महीने पहले उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, उनके लीवर में 30% प्रॉब्लम है। और अभी मैं आते वक्त भी जो डॉक्टर ने ऑपरेट किया उनसे बात करके आई हूँ,
कि हैवी रिस्क है कि उनको दोबारा इस हालात में इन्फेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत नया ऑपरेशन है, उसके साथ ही उनको सीवियर इन्फेक्शन थे, जिसकी सारी रिपोर्ट आपको दी गई है। मैं फिर आपको आगाह करूंगी कि ये खेला बंद कर दीजिए, ये राजनीति बंद कर दीजिए, उनको रिहा कीजिए, और आपके जेल के अंदर वो पॉजिटिव होके आएंगे तो ना मैं माफ करूंगी ना आपको जनता माफ करेगी, और सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। अगर चंद दिन के अंदर, दो दिन के अंदर पप्पू जी रिहा नहीं होते हैं और आप ये डॉक्टर और प्रशासन का खेल खेलते हुए उनको हर दिन गाड़ी में चार चार लोगों के साथ बैठा बैठा के जो घुमाने का आप काम कर रहे हैं, तो आप भाजपाई लोग भी सुन ले, मुख्यमंत्री साहब भी सुन ले, रूड़ी साहब आपकी जो एम्बुलेंस घर में थी वो सरकारी खजाना था, और एक तरफ लोग 12,000 रुपए पर किलोमीटर एम्बुलेंस के लिए दे रहे थे और तब भी नहीं मिल रही थी। मैं अनशन में बैठूंगी जब तक आपको जेल के अंदर नहीं कर दिया जाएगा। ये खेला खेलना बंद कर दीजिए, ये गंदी राजनीति महामारी के वक्त बंद कर दीजिए। आज मैं फिर कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री साहब फोन कीजिए, अगर आपको लगता है कि कोई मदद करने में राजनीति कर रहा है, मुझे फोन कीजिए, पप्पू जी को फोन कीजिए और बताइए कि पप्पू जी मदद कीजिए, महामारी है, हम सब मिलके काम करेंगे, लेकिन ऐसे मत कीजिए जहां आपको लग रहा है राजनीति हो रही है, हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। फिर आपको आगाह कर रही हूँ, इस महामारी में राजनीति मत कीजिए, किसी की जान मत लीजिए। अगर हमारी फैमिली को आप खतरे में डालेंगे, अगर आप बिहार की जनता को खतरे में डालेंगे, अगर हमारे बच्चों को आप खतरे में डालेंगे, तो आपका परिवार भी मुख्यमंत्री आवास में नहीं बैठ पाएगा। आपका बेटे की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, भूल हो गई, आपका पूरा परिवार नहीं है, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, भाजपाइयों का परिवार है, जो मॉडलिंग करते हैं उनका परिवार है, और मुझे सबके परिवार के लिए दया है और सबके परिवार की फिक्र है, इसीलिए हम लोग चुपचाप बैठे थे, इसीलिए आज मेरा बेटा यहाँ नहीं आया, क्योंकि मैंने अपना रिस्क लिया, उसका नहीं लिया, बेटा रुक जाओ, पैंडेमिक चल रहा है, और ये बहुत गुंडई राज वाले लोग हैं, किसी की परवाह नहीं है। जब जनता को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं तो हम लोग की क्या औकात है, लेकिन औकात उसी की होती है जो गोल्फ लिंक में बैठकर गोल्फ खेल रहा होता है, और पेस्ट्री होता है जो सड़क पे होता है, उसको औकात दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मैं इतना ही क्या कह, मुख्यमंत्री साहब अब ये राजनीति बंद कर दीजिए, उनको इस फर्जी केस से वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो सब दिख चुका है कि वो फर्जी केस है, उनको रिहा कीजिए और हम लोग सब मिलकर इस महामारी से लड़िए, क्योंकि एक तरफ आप इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ तीसरी लहर की बात इस देश में हो रही है, उसकी चिंता कीजिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की चिंता मत कीजिए। अगर आपको डर लग रहा है उनके कद से, तो चुनाव अभी बहुत दूर है, तब तक जनता भूल जाती है, ये आपको हम लोगों से ज्यादा मालूम है, इसलिए महामारी की फिक्र कीजिए, राजनीति की फिक्र मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हाईकोर्ट में याचिका भी खारिज कर दिया गया है, जो जानकारी हमें मिल रही है। देखिए वो खारिज नहीं है, उन्होंने कहा कि आप प्रोसेस से आइए। ये देखिए, आपको सबसे पहले मैं कहूंगी कि मुझे कोर्ट पे पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। इन्होंने सोची समझी साजिश थे इनको जेल भेजा, क्योंकि 17 तक कोर्ट बंद है और कोई भी मैटर इस तरह से सुना नहीं जा रहा है। लेकिन आज हम लोगों ने मेंशन किया है, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन 7 साल से नीचे वाला भी कोई मुजरिम भी है, उस पे भी अगर जेल जाने की नौबत आती है, तो आप इस पैंडेमिक पे उसको जेल नहीं ले जाएंगे, और अगर कोई जेल में है भी तो उसको 90 दिनों की आपको पैरोल देनी है। सही मायने में कानूनी तरीके से
जब इनको मधेपुरा भेजा गया तो मजिस्ट्रेट को ही खड़े खड़े इनको बेल दे देनी चाहिए थी, लेकिन ये रणनीति है। और मैं नहीं चाहते हुए मैं कहूंगी कि दबाव में है, वहां पे कुछ हो रहा था लेकिन रात के 8 बजे नहीं हुआ। ये लोग खरीद रहे हैं और इनको जबरदस्ती इस मंशा से तंग किया जा रहा है कि पप्पू जी तंग हो, 4-5 दिन रहे, उनको भी महामारी से डर लगे, उनको भी जेल से डर लगे, जब वो डर जाएंगे तब हम देखेंगे। ये एक षड्यंत्र चल रहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज हम लोगों ने मेंशन किया है डॉक्टर मेडिकल को लेके ही कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इनको जमानत मिलनी चाहिए। आपने 4 लोगों को सड़क पे खड़ा करने की बात कही थी, नाम मेंशन नहीं किया आपने। देखिए जब खड़े होंगे तो आप खुद देख लेंगे कौन कौन मंत्रालय इस पैंडेमिक में फेलियर है और किन 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 की नींद हराम हो रही है और किसका किसका माफियाओं से और इस ड्रग्स माफियाओं से बिजनेस चल रहा है वो पूरा बिहार जान रहा है। बहुत जगह लोग जो है खा नहीं पा रहे हैं, जो खाना मिलता था उसको। देखिए ये मैं कहूंगी कि महामारी में बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति हो रही है। हम लोगों का खाना अभी भी बन रहा है लेकिन वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, पास नहीं दे रहे हैं। हम लोग फिर पास के लिए लगे हैं। मैडम आप कब तक बिहार पास में नहीं देंगे? हम लोग मैडम बिहार में मैडम पप्पू यादव उजागर कर रहे थे काफी खुला, तो आप उनको कंटिन्यू रखेंगी जो वो कर रहे थे? देखिए और कहीं प्रशासन भी आप पर ये कार्रवाई कर सकती है? मैं बिहार हूँ, मैं दिल्ली हूँ, मैं कहाँ हूँ, लेकिन आपके अस्पतालों का निरीक्षण लगातार चलेगा और आपके अस्पतालों की पोल अगर आपने सही नहीं की तो वो आप लोग फोटो देखेंगे, उसके वीडियो चलेंगे। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी जो हम लोग से मांगेंगे उनको ऑक्सीजन मिलेंगे, जहाँ से रेमडेसिविर ब्लैकमेलिंग होगा वहाँ भी उनका पोल खुलेगा और जिनको जरूरत पड़ेगी दवाइयों की वो भी हम लोग देंगे। जितनी मदद कंटिन्यू हो रही थी वो लगातार मदद होती रहेगी। इस पैंडेमिक में आप किसी को मदद करने से नहीं रोक सकते, ये वैसे सत्ताधारी है। आज पप्पू जी को यहाँ जेल में बंद किया है, वहाँ हमारे कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष को तो श्रीनिवासन के घर में जांच हो रही है कि खाना कहाँ से खिला रहे हैं भैया, आप कहाँ से दवाई दे रहे हैं। तो ये गुंडाई राज चल रहा है, मैं फिर कहूंगी पूरे देश में, जिसके खिलाफ हम और आप सबको खड़े होंगे। मैंने आपको बोला, मुख्यमंत्री साहब को फिर आगाह किया, जल्द से जल्द पप्पू जी की रिहाई हो, क्योंकि आपने फर्जी केस में जबरदस्ती इस पैंडेमिक में जो पोल आपके स्वास्थ्य का खुल रहा था सुविधाओं का उसके लिए आपने भेजा है। अगर आप इस तरह से छिछोरी राजनीति करेंगे तो हम लोग को भी मजबूरन आपके सामने आना पड़ेगा और जब तक आपके मंत्रीगण भी जेल नहीं जाएंगे तब तक अनशन। जेडी के मधेपुरा विधायक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही कि ये गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए थी, बीजेपी जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत ये खेला करवाई है। मैडम पीएम केयर फंड जो है पारदर्शिता उसमें नहीं आई, कहा जा रहा है कि जो वेंटिलेटर खरीदे गए उसमें बहुत सारे तकनीकी खराबी चल रही है। आपको पीएम केयर फंड की बात चल रही है, 100 रुपए किलो डीजल, 100 रुपए डीजल और पेट्रोल हो चुका है और उससे उनको 21 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं और पीएम फंड में भी कितने रुपए आए हैं वो उन्होंने बताया नहीं है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, क्या मुझे तो मैं दावा करती हूँ कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैकमेलिंग वालों को मिल रहा है। अभी दिल्ली में खान मार्केट में पकड़ाया था 800 जो ऑक्सीजन आपके कंसंट्रेटर हैं और उनका जो नवनीत कालरा वो बीजेपी और आम पार्टी से मिला हुआ है, ये तो मिली भगत ही और उन्हीं को पैसे दिए जा रहे हैं कि आप विदेश से मंगाइए 20,000 में और यहाँ पे 70,000 में दीजिए और फिर हमारे पार्टी फंड में भी दीजिए। तो चुनाव में आखिर सत्ता पाने के लिए किस तरह से वो एमएलए खींची? महामारी को छोड़ के सेंट्रल विस्टा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैडम सिंपल सवाल ये है, 2005 में जब चंद्रशेखर खड़े हुए थे मधेपुरा से, उन्होंने पैम्पलेट पर आपका और पप्पू जी का फोटो लगाया था, लेकिन कल उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव गुंडा है और बीजेपी के एजेंट है। आप सवाल का भी जवाब आप खुद ही दे रहे हैं। नहीं तो आप बताइए ना कि आपका फोटो भी इस्तेमाल किया। मुझे कोई कमेंट नहीं, वो इस लायक नहीं है।
मैडम जिस तरह से पप्पू जी लगातार सरकार के खिलाफ उद्भेदन कर रहे थे, क्या राजेंद्र रंजन जी अभियान खास करके इसी तरह का पप्पू जी का जो कार्य था वो संभालेंगे? देखिए, मैं इस पैंडेमिक में तमाम बिहार वासियों के साथ हूँ और यह दुर्व्यवस्था जो स्वास्थ्य में है उसके साथ हूँ, जो हमारा सिस्टम फेलियर है उसके साथ हूँ और लगातार खड़ी हूँ। इसके लिए मुझे कोई उम्मीद आरजेडी से क्या उम्मीद है? हम महामारी की बात करने आए हैं और आरजेडी के भी बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दर्द पप्पू जी के लिए है और जो गलत हुआ इस महामारी में है उनके लिए है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।